हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा क्राफ्ट्स। हाय, आई एम निशा। आज के वीडियो में मैं ग्लास बॉटल DIY शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें एक ग्लास बॉटल चाहिए। फिर मैंने वॉल पुट्टी में ग्लू और वाटर मिला के उसका एक पेस्ट बनाया और वो बॉटल पे अप्लाई कर दिया है। सैंड पेपर की हेल्प से इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और फिर टाइम आता है कलरिंग का। बेस के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है, आपका जो मन चाहे आप वो कर सकते हैं। और इस पर डिजाइनिंग के लिए मैंने व्हाइट कलर यूज़ किया है। एक्चुअली इस पर मैंने वन लाइन आर्ट ट्राई किया है, जो एक ही लाइन में ड्रॉ किया जाता है, बट मैंने टुकड़ों में किया है क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है मेरी आर्ट के एक ही लाइन में मैं फ्लो में बनाती जाऊँ। तो पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था जो भी मुझे बनाना है, फिर उसके ऊपर मैंने कलर से बना दिया। अब आप लोग प्रोसेस इन्जॉय कीजिए। जो भी मैंने फेशियल ड्राइंग की थी वो मैंने सारी व्हाइट से कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें साइड में फ्लावर्स बनाने जा रही हूँ, जो लेवेंडर फ्लावर्स होते हैं ना वो वाले ट्राई किया है। तो उसके लिए मैंने लेवेंडर के पर्पल के शेड्स यूज़ किए हैं काफ़ी सारे। अब थोड़ा सा इस आर्ट के बारे में ज्ञान दे देती हूँ, जो कि मैंने भी गूगल से सीखा है कि ये सिर्फ एक लाइन में और एक कलर से ड्रॉ किया जाता है, जो कि वन कंटिन्यूस फ्लोइंग लाइन से ड्रॉ की जाती है। और इस आर्ट में मेनली फेस और प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये बन के तैयार है हमारी एस्थेटिक सी बॉटल आर्ट। ऐसे ही मैंने ये एक और डिज़ाइन बना ली है। आप चाहो तो इन्हें एक जगह रख के भी डेकोरेट कर सकते हो और अलग अलग भी रख के डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। अब आप इसका फाइनल लुक देख लो। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और क्राफ्ट करते रहिए और मेरी क्राफ्ट वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।